नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीती 13 जून की रात प्रतापगढ़ के एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह के आह्वान पर औरैया जनपद के पत्रकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और मृतक पत्रकार को न्याय, उनके परिवार की आर्थिक मदद एवं पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग करी है। साथ ही साथ औरैया के पत्रकार ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सुलभ श्रीवास्तव एक ईमानदार व निष्पक्ष पत्रकार थे। उन्होंने कुछ दिन पूर्व शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाकर शराब माफियाओं के गोरख धंधे को नेस्ता नाबूद कर दिया था, जिससे बौखलाए शराब माफिया पत्रकार व उसके परिवार जनों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिस पर पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव ने लिखित रूप से एडीजी जोन प्रयागराज व एसपी प्रतापगढ़ को अवगत कराकर अपने व अपने परिवार की जान माल के खतरे के लिए सुरक्षा करने की गुहार लगाई थी। उसके दूसरी ही रात में उनके मौत की सूचना मिलने कहीं न कहीं उनकी हत्या का ठोस साक्ष्य प्रतीत होता है। इस मौके पर अवधेश अवस्थी, विकास श्रीवास्तव, रेणु गुप्ता, उमेश अवस्थी, भानु प्रताप सिंह, आलोक गुप्ता व अन्य पत्रकार साथी उपस्थित रहे। रात एक घटना रिपोर्ट की गई थी कि बाइक से ये गिरे हुए पाए गए हैं। इनके साथी के द्वारा और कुछ वहाँ भट्टे पर जो उपलब्ध लोग थे, उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस को कॉल किया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। रास्ते में इनके द्वारा अपनी पत्नी से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की गई थी, बोल रहे थे उस समय, लेकिन जब अस्पताल आए तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराया गया है पैनल के द्वारा, उसमें जो अभी तक फाइंडिंग आई है शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अभी तक फील्ड यूनिट ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन इनके द्वारा कल व्हाट्सएप पे 1:41 पर मुझे भेजी गई थी, उसके लिए इनकी प्रभारी एसपी से बात करा दी गई थी। ऊपर प्रभारी एसपी से ये स्वयं वहाँ पर मिले थे जहाँ कल घटना का कवरेज के लिए गए थे। इनको सूचना भी दी गई थी। अमूमन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी इनको सूचना दी जाती थी, और उसमें इनके द्वारा जो भी कार्रवाई हमें भी ये इनके 7:30 तक इनके द्वारा वीडियो और फुटेज भेजे गए हैं वहाँ पर। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का, क्या मामला? तो जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहाँ, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन जो मौके पर मौजूद जो गवाह हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो इसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहाँ मौके पर पहुंचे, तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, ऐसी जो है क्या कहते हैं सूचनाएं कई बार पहले भी दी जा चुकी हैं और पत्रकारों के द्वारा कि जान का खतरा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका वीडियो भी दिया गया है। नहीं, हर एक मामले में जांच करा दी, इसी मामले में जांच नहीं है। 28 जनवरी को एप्लीकेशन दिया गया है, इसमें और वीडियो भी अवेलेबल कराया गया, जिसमें व्यक्ति खुलेआम हत्या करने की बात कर रहा है ईटीवी भारत के पत्रकार की। तो आप इसमें कार्रवाई नहीं, अभी तक फुटेज आई होगी, एसपी साहब हैं, अभी कुछ दिन छुट्टी पर थे, अभी वापस आ गए। सर, पत्रकारों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित की जा रही, पुलिस प्रशासन का सहयोग कितना मिल रहा है? पुलिस और पत्रकारों के बीच में यहाँ अच्छा बेहतर संबंध है, यहाँ लगातार मेरे द्वारा जब भी बातचीत की जाती है।